Hey guys, welcome to my channel WB Freemesh Solution. This is Sanjana Giri. We have already completed the chapter 13.1 of chapter 13 factorization of algebraic expression, that is बीजगणितीय संख्या राशियों का उत्पादक में विश्लेषण. तो ये हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया है और इसमें से मैंने कहा भी है कि आप लोगों का कौन कौन इसमें से क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, तो आप लोग इसे अच्छा से कर लेना. इसमें से मैं एक क्वेश्चन ये नहीं बता पाई थी, सो आज मैं ये बता दे रही हूँ. उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे. ओके, तो ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि गाइज प्लीज आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यदि जो सब्सक्राइब आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को मेरे वीडियोस के नए नए अपडेट्स हमेशा मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. और गाइज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं वीडियो बना सकूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं ताकि जो बच्चे अभी कोविड-19 के कारण ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं या जिनके पास ट्यूशन के लिए भी पैसा नहीं हो पा रहा है, वो आराम से वीडियो देख के आप लोग घर बैठे ही बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, सो मैं आप लोगों को बहुत ही छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ जिससे कि आप लोग घर में आराम से बना सकते हो. ओके, तो गाइज प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके, तो चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके, इसमें से मैंने बता दिया है कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, आप लोग प्लीज इसे कर लेना. जिसको ना समझ में आया वो प्लीज कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया है. ठीक है, मैं जरूर उसका आंसर बताऊंगी. ओके, तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते. सो हमारा क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट है ए प्लस 1 बाई ए इंटू एक्स प्लस 1. ओके, अब चलो हम इसे तोड़ते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं. सो माइनस इंटर कर रहा है, साइन चेंज होगा. सो ए इंटू एक्स दैट इज ए एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 1 बाई ए इंटू एक्स प्लस 1. ओके, अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 1 बाई ए इंटू एक्स प्लस 1 के जगह पे हम a बाई ए लिख रहे हैं. ठीक है, सिंस a बाई ए इक्वल टू 1, कैसे काट के हमारा 1 होगा. अब 2 बाई 2 भी लिख सकते हैं, 3 बाई 3 भी, कुछ भी लिख सकते हैं 1 के जगह पे. लेकिन हम यहाँ a बाई ए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये मिडिल टर्म फैक्टर बनाना है, इसलिए हमें फैक्टराइजेशन में से चेंज करना है. दैट्स वाई वी राइट हियर a बाई ए. ओके, सो एक्स स्क्वायर, अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है तो हमने x कॉमन निकाल लिया, x माइनस ए बचा. और यहाँ भी हम डायरेक्ट पहले x माइनस ए लिखे, अब यहाँ क्या है, यहाँ कॉमन निकालेंगे कि हमारा x बाई ए आए. तो आप लोग ध्यान से देखोगे कि 1 बाई ए, 1 बाई ए इसमें इसमें भी है, इसमें भी है. ठीक है, तो हम 1 बाई ए निकालते हैं, माइनस निकालेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा अंदर का. सो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया. ओके, सो हम एक्स माइनस, सो x माइनस ए हुआ और एक हुआ x माइनस 1 बाई ए, दैट इज द आंसर. बहुत इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है. ठीक है, आप लोग इसे कर लेना, बहुत ही इजी है. तो ये हमारा चैप्टर का 13.1 का लास्ट था. आप लोगों ने, आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देख के आप लोग बनाए होंगे क्वेश्चंस. ओके, यदि नहीं बन पाया होगा तो प्लीज आप लोग मुझे बताना, मैं जरूर आप लोग का सॉल्व करूंगी. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 13.2 पर. सो अब आप लोग 13.2 निकालो, इसमें स्वयं करो में, यानी लेट्स डू योर सेल्फ. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 32 एंड 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बीजगणितीय संख्या राशियों के दो वर्ग के रूप में, यानी इस टाइप के रूप में प्रकाशित करके हमें उत्पादक निकालना है, यानी फैक्टराइजेशन हमें इसका करना है. ओके, तो हम क्या करते हैं, ये स्वयं करो का एक ही है इसलिए मैं डायरेक्ट स्पेशली आऊंगी, ये बता दे रही हूँ. उसके बाद इसमें हम लोग एक्सरसाइज 13.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके, तो इसमें क्या करना है हमें, इसका फैक्टर हमें पहले निकालना है, इसका भी फैक्टर निकालना है, इसका भी फैक्टर निकालना है. दोनों का फैक्टर निकाल के बस वही दिखा देना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, सो आप लोग देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए एंड 30 माइनस 32 दिया, सॉरी 72 दिया है. तो पहले हमें 72 का यहाँ पे फैक्टर निकालना होगा. ठीक है, 2 से
ले जाएंगे तो 2 3 6 एंड 2 6 जा फिर 2 से 18 फिर 2 से 9 एंड देन 3 3। अब यहाँ हमें 1 लाना है और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करके 72 आएगा। इस तरह से हमें फैक्टर में ले जाना है, यानी इस तरह से हमें दिखाना है यहाँ पे। अब देखो क्या हम ले जाएंगे, 2 2 4 4 2 8 यदि हम 8 और इधर 3 3 9 यानी 9 लें, सो 9 - 8 दैट इज हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमें 1 ही तो लाना है, इसलिए हम 9 और 8 ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, तो चलो हम लिखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9 - 8 इंटू ए 72। ओके, अब यहाँ 1 के जगह पे हम 9 - 8 लिखे हैं और ये वाला ए है, ठीक है। अब फिर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, सो 9a माइनस इंटर कर रहा है, साइन चेंज हो जाएगा, सो 8a प्लस 8a माइनस 72। फिर 8 देखिए आप लोग कॉमन है, सो a माइनस 9 प्लस 8 कॉमन है, तो फिर a माइनस 9 हो जाएगा, यानी a प्लस 8 एंड a माइनस 9, ये हमारा आंसर होगा। ये 2 वर्ग के रूप में निकल गया, 2 स्क्वायर्स। ओके, तो इसी तरह से हमें सेकेंड वाला भी निकालना है। सेकेंड वाला में क्या है दिया है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अभी तक तो आप लोगों को मतलब कि यहाँ पे 1 नहीं मिला था और यहाँ वेरिएबल के साथ यहाँ कुछ भी नहीं मिला था, अब यहाँ इस टाइप का हो गया है, तो हमें अब क्या करना है। अभी मैं बता रही थी आप लोगों को कि ये जो है लास्ट वाला जो कॉन्स्टेंट है उसको तो उसके हमें क्या करना होता था, एलसीएम निकालना होता था, लेकिन इसके साथ इसको मल्टीप्लाई भी किया जाता है, उसके बाद ही हम ये निकालते हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा, इसके साथ इसको पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, तो नंबर के साथ नंबर को, ठीक है। वेरिएबल तो वैसे के वैसे ही रहेगा, तो हमारा 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2। ओके, अब 2 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यदि 2 - 1 ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, 2x² माइनस 2 - 1 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, फिर देखो 2x² माइनस मल्टीप्लाई माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, सो एक्स माइनस 1, ठीक है। फिर देखो आप लोग यहाँ से 2x कॉमन है, सो 2x निकाल लेंगे, तो यहाँ ओनली x बचा और यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। यहाँ भी x माइनस 1 यदि हम कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ हमारा कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ यहाँ जहाँ कुछ नहीं बच रहा है वहां पे 1 तो बचेगा, सो प्लस 1 हमने निकाल दिया कॉमन। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, x माइनस 1 एंड ये 2x प्लस 1 आंसर हो गया, 2 फैक्टर में हमारा आंसर निकल गया। तो इस तरह से हमारा लेट्स डू योरसेल्फ, स्वयं करो का क्वेश्चन नंबर 1 एक ही दिया हुआ है, ये बन गया। अब हम लोग चलते हैं 13.2 एक्सरसाइज 13.2 पे, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छा से बना लेना, बहुत ही इजी है, मैंने ये बता दिया, सॉल्व कर लिया है, आप लोग इसे देख के समझना। यदि ना समझ में आए तो भी बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। यदि फिर भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछना। सो आप लोग देखो यहाँ उत्पादक विश्लेषण करें, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 2x² प्लस 5a प्लस 2। ओके, और यहाँ भी ये यदि मैं इसमें से यदि एक बता दूं तो आशा करती हूँ कि आप लोग बना लोगे, ठीक है। एक प्लस वाला बता दूंगी और एक माइनस वाला बता दूंगी, जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलो इसमें से हम लोग सॉल्व करते हैं, अच्छा से देखना, बारीकी से यहाँ देखना, बहुत ही इजी है लेकिन समझना भी उतना ही जरूरी है, सो प्लीज आप लोग ध्यान से देखना। ओके, तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। सो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 दैट इज 2m² प्लस 7m प्लस 6 ये मैं बना रही हूँ। ओके, अच्छा मैं हिंदी मेरे पास तो हिंदी बुक है, लेकिन मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग देखो, यदि कोई प्रॉब्लम हो, ये तो एक्चुअली मेरा बुक जो हिंदी मीडियम के लिए है और मैं हिंदी में भी बोलती हूँ, इंग्लिश में भी समझाती हूँ, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यदि फिर भी यदि आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज आप लोग बताना। ओके, तो चलो हम लोग बनाते हैं। अब इसमें आप लोग देखो
कि यहाँ 2m² + 7m + 6 है, तो हम लोग इसका क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, इससे इसका मल्टीप्लाई होता है। मिडिल टर्म फैक्टर में इतना ध्यान रखना है कि इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होता है। यदि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं था तब सिर्फ 6m² ऐसे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अब यहाँ वेरिएबल सॉरी यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंट आ गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नंबर के साथ नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 6m² आ रहा है, सॉरी 12m² आ रहा है। ठीक है, अब 12m² को यानी कि 12 का अब हम एलसीएम निकालेंगे, न कि 6 का। ठीक है, तो हम 12 का यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं पहले। तो 12 का एलसीएम में 2 6 12, फिर 2 3 6। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ 12 लाना है और यहाँ पे क्या लाना है, हमें ऐड करके 6 लाना है, सॉरी 7 लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा 7 है, अब 3 2 6 + 2 करेंगे तो 7 तो आएगा नहीं, लेकिन 2 2 4 + 3 करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा एंड 4 3 12 भी आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं घबराना कि 12 यहाँ पे तो है नहीं तो फिर आएगा कैसे, वैसा नहीं होता है। ऐसा यहाँ पे हम 12 लाए हैं सो हमें 12 ही लाना है। ठीक है, तो 4 और 3 लेकर चलते हैं, सो यहाँ 2m² + 7 की जगह पे हम लिखेंगे 4 + 3 × m + 6। ठीक है, 2m² + 4 × m दैट इज 4m + 3m, प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अंदर भी साइन जाए तो प्लस 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 ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो कि क्या कॉमन है, ध्यान से देखना, यहाँ 2 2 4 यानी 2 भी कॉमन है और एक m भी कॉमन है, तो हम 2m को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से सिर्फ m बचा और यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, 2 2 4 4m हो गया, तो यहाँ सिर्फ 2 बचा है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 2 4, ठीक है, तो 4m हुआ। अब हम तो m तो बाहर निकाल लिए हैं तो सिर्फ यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी देखना, मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे ही कर लेना है, उसके बाद देखना है कि क्या यहाँ निकल रहा है, क्या निकल रहा है। आप लोग ध्यान से देखो तो 3 कॉमन है इसमें से, तो 3 × m 3m and 3 × 6, तो यहाँ पे 3 कॉमन हो गया। ओके, अब इसमें से एक m + 2 हो गया और एक क्या हुआ, 2m + 3 हो गया, दैट इज द आंसर। कितना इजी है ना, बहुत ही इजी है, बस घबराना नहीं है इसमें, आप लोगों से आराम से बन जाएगा। चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो माइनस वाला है। सो अब मैं इसमें से, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि मुझे सभी इजी लग रहा है, आप लोग मेरे सामने रहते तो मैं बोल भी सकती थी कि हाँ आप लोगों को कौन सा प्रॉब्लम है, फिर भी मैं अपने तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि कोई आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। सो मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रही हूँ, इसमें देखो आप लोग क्या करोगे, 8 9 जा, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 8 9 जा क्या होता है, 72। ठीक है, अब 72 आया तो 72 का हम पहले एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे 1 लाना है। आप लोग ध्यान से देखो तो 9 - 8 भी करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, तो हमें 9 - 8 लेकर चलना है यहाँ पे। ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत ही इजी है। ओके, अब चलो हम लोग 6 पे चलते हैं। 6m² - 11mn - 10n² ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, चलो हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखेंगे 6m² - 11mn - 10n². अब 10 × 6 60 हो जाएगा। ठीक है, 10 × 6 60 हो गया। अब 60 का हम एलसीएम निकालेंगे, 60 का एलसीएम 2 से ले जाएंगे 30, फिर 2 से 15, 3 से 5। अब हमें यहाँ पे 11 लाना है, माइनस करके या प्लस करके, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 11 हमें लाना है। ओके, तो आप देखो यहाँ पे कि 2 2 4 and 4 3 12 - 5, तो 11 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो हम इसे नहीं लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो 5 3 15 कर रहे हैं एंड 2 2 4, तो यहाँ हमारा 11 आ गया, तो 15 - 4 करेंगे तो 11 आ जा रहा है, सो हम यहाँ पे वही ले रहे हैं, 6m² - 15 - 4 × mn - 10n²
यहाँ दो वेरिएबल आ गया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस उसी तरह चलते जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 15 mn, साइन चेंज हो रहा है, अंदर है, अंदर इंटर कर रहा है, माइनस 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 प्लस हो गया, सो 4 mn माइनस 10 n² ठीक है। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, एक तो m हमें अच्छी तरह से दिख रहा है कि n कॉमन है, और क्या एक कॉमन निकालेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ 3 एक कॉमन जा रहा है, दोनों में 3 आता है, यानी 3 2 6 एंड 3 5 15, तो यहाँ 3 कॉमन है, 3m कॉमन निकालेंगे तो 3 2 6 होता है, सो 2m, यहाँ से m एक बच गया, माइनस 3 5 15 होता है, सो 5n ये बचा हमारा। ओके, अब यहाँ भी देखो यही वाला पहले लिख देते हैं, 2m माइनस 5n। ध्यान देना कि ये जो चीज है यहाँ पे मिलना चाहिए, यदि नहीं मिलेगा ना तो वो फैक्टर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि क्या हमारा कॉमन आए कि 2m माइनस 5m 5n ही आए, तो यहाँ देखो तो 2 हमारा कॉमन है, एक 2 कॉमन है तो प्लस 2 निकालेंगे, और क्या कॉमन है तो एक n कॉमन है, तो 2 2 4 mn हो गया, एंड प्लस माइनस माइनस, एंड 2 5 10 n², ठीक है। तो ये हमारा उसी तरह से बन गया, तो हम लिखेंगे 2m माइनस 5n एंड 3m प्लस 2n, ओके, दैट इज द आंसर, है ना इजी, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सो मैं क्वेश्चन नंबर 11 बता रही हूँ, आप लोग 1 to 10 आप लोग आराम से बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यदि होगा तो प्लीज आप लोग मुझसे बोलना। 10 में आप लोग देखो क्या करोगे, यहाँ पे 6 × 6 दैट इज कितना हो जाएगा 36, ओके। अब 36 यहाँ पे मुझे 13 लाना है, ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो हम यदि 9 + 4 करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा, सॉरी 9 + 4 13 होगा, और 9 × 6 36 हो जाएगा, सो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 भी बन जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो है 99 a² माइनस 202 ab प्लस 99 b², ओके 99 b² है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 99 से 99 मल्टीप्लाई होगा, तो 99 से 99 मल्टीप्लाई होके आएगा 9801, इतना आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं, तो चलो एलसीएम निकालते हैं, लिखेंगे 3 से जाएगा क्योंकि यहाँ लास्ट में 1 है, देखते हैं 3 से हो पाता है कि नहीं, इसका डिवीजन करेंगे तो 3 3 9 3 2 6 20 हुआ यहाँ पे, तो यहाँ ले जाएंगे 3 6 18 एंड 3 7 21, ठीक है। फिर 3 से 3 1 3 2 है, नहीं हो रहा है तो यहाँ 0 होगा, 26 हो गया, तो 3 8 24 एंड 3 9 27, ओके। फिर यहाँ देखेंगे 3 से ही जाएगा, 3 3 9 3 6 18 3 3 9, फिर 3 से 1 2 1, अब ये 121 सिर्फ 11 से ही जाता है 11 टाइम्स, सो 11 × 11, ओके। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे 202 लाना है, ठीक है। यदि हम करेंगे 3 3 9 9 3 27 एंड 27 3 81 हो रहा है, और यदि 11 × 11 दैट इज 121, तो दोनों को यहाँ पे 121 और 81 को ऐड करके यहाँ देखो तो 202 हो जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 81 और 121 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले 99 a² माइनस, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो 121 प्लस 81 ab प्लस 99 b², ठीक है। इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, सो 99 a² माइनस इंटर कर रहा है 121 ab प्लस माइनस माइनस 81 ab प्लस 99 b². अब इसमें हमारा क्या कॉमन है ये हम देखेंगे, ओके। तो यहाँ आप लोग देखो तो यहाँ हमारा कॉमन है
11 कॉमन है क्योंकि 121 ओनली 11 से ही जाता है एंड 11 9 जा 99, सो हम यहाँ पे 11 निकालते हैं और एक क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ 9 हुआ, 11 9 जा 99 ए, ओके, और यहाँ 11, ओके, बी। अब यहाँ फिर उसी तरह से हम 9a माइनस 11b निकाल देंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमारा यहाँ क्या लिखेंगे कि हमारा 9a आ जाए। अब यहाँ देखो आप लोग, 9 9 जा 81 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस 9 लिखेंगे, ओके। अब और क्या है यहाँ पे, b कॉमन है तो 9b कॉमन निकाल लिए। देखो आप लोग आ गया ना वैसे ही 9 9 जा 81 एंड 9 इंटू 11 99, ठीक है। अब यहाँ 9a माइनस 11b हुआ और 11a माइनस 9b, आंसर है ना इजी, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 12 से बनाएंगे, ठीक है। होप आप लोग कुछ क्वेश्चंस तो कर ही लोगे घर में, ओके। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बोलना, आप लोग कमेंट करना, और प्लीज गाइज आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए ठीक से रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो, ओके, बाय बाय।